शादी कितने जाने कहें कि भैया हमरे शादी पर आई। अब शादी कहाँ है? शादी तय रहे जब हेती हेती लेके लेकर रहना सादा रहना वो समय शादी रहे। अब 22 साल 25 साल पर जौन है ब्याह होता हुआ 10 साल पर पुरुषद मिले थे चुहत हूँ कहीं शादी है सादा जब सादा रहना तो शादी रहे अब तो चुहत हूँ कहाँ सादा हो तो रंगीन हो गई कहले का मतलब शादी ब्याह है ब्याह ओरिजिनल में क्योंकि विवाह हो गया कौन विवाह हो गया हाँ लिखाला ना तो वही का मतलब बात पूछे थे कि विवाह का है कि लिखाला ओकर का मतलब है ब्याह विवाह विवाह पढ़ल लिखल हुआ शादी करा के रोट लेके अला घर में मालिक का दया हो गई तो के सर्विस मिल गई कोनो पोस्टिंग हो गई लड़की बेचारी आई घर में बड़ी खुश भई वाह वाह मचौली बात कि अब हमारी जिंदगी सही सलामत निकल गुजर जाई हमारा आदमी कमासत हो गए हमारे आदमी का सर्विस हो गई जब यहाँ वाह भया पासी पड़ोसे सब सुन ले सब वाह वाह कह भाई ये करे होते बढ़िया सदार ये करे होते कर आदमी जो है सर्विस हो गए और जब नैहर गई तो वहाँ लोग सुनने तो वह जो उनका लोग वाह वाह कहने वो विवाह हो गया अब ब्याह हो गए ब्याह करा के लेके अला अगला पैसा दे ले रहनी बूढ़ा के दे दिए ले दें सुहागरात में तो दिए बिटिया बा के वो पैसा लेके गए अंडा खैला आमलेट दारू पियला वो सेठ पैठत अला माधर चौथ बहन चौथ भोसड़ी वाला करत अब गैला घर में तो मेरा रुकन सुहागरात मनावे को चार ऊँचा लगौला आह आह कैले बा बिहाने जो सुन ले तो कहल कि अरे भाई लड़की का किस्मत फूट गई तो शराबी कबाबी मिल गया तो यही जो ना अब है लड़की वो आह कैल नैहर के लोग सुन तो वो लोग आह करत हैं कि भाई बड़ी फसान हो गई क्या जनलस ना अब लड़का शराबी कबाबी लड़की की जिंदगी बेकार हो गई तब जब ले जी तब ले आह करी लिखल ना पैबा कतो हाँ कतो इतिहास रामायण में लिखल ना पैबा हम जौन बोला थे अब लड़की जब ले जी होते तब ले आह करे थे आ जौने का पति कमासू थे सर्विस करे थे वो बाह करे थे अंतर हो कि ना जब कहीं भी हवा न कुल मकसद है अच्छे अच्छे का ना।